शिरडी में साईं बाबा प्रकट हुए। जी हाँ, शिरडी में द्वारका माई मंदिर में साईं बाबा चित्र के रूप में साक्षात भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बुधवार से शिरडी का द्वारका माई मंदिर लगातार खुला हुआ है भक्तों के दर्शनों के लिए, क्योंकि भक्तों का तांता लगा है। देश विदेश से भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए वहां पर आ रहे हैं। जी हाँ, बाबा का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो बाबा प्रकट हुए हैं भक्तों के लिए, बाबा एहसास करवा रहे हैं कि वह थे, वह हैं और वह रहेंगे। बाबा ने अपने 11 वचनों में कहा है, मैं शरीर छोड़ गया हूँ फिर भी लौटता हूँ भक्तों के लिए। तो आज बाबा एहसास करवा रहे हैं कि वह शिरडी में प्रकट हुए हैं, वह शिरडी में आज भी हैं, शिरडी में तांता लगा हुआ है। सारा मीडिया वहाँ पर पहुँच रहा है, जानने का प्रयत्न कर रहा है कि इसका अर्थ क्या है, ये चित्र के रूप में बाबा प्रकट हुए हैं, इसका अर्थ क्या है। बाबा भक्तों को बताना चाहते हैं कि वे आज भी हैं। बाबा की शक्तियाँ द्वारका माई में सदैव घूमा करती हैं, निरंतर बाबा की शक्तियाँ वहाँ पर है। मैं भी जब शिरडी जाता हूँ तो अधिकतर द्वारका माई में बैठता हूँ, क्योंकि बाबा ने अपनी सारी उम्र द्वारका माई में गुजारी है। बाबा का शरीर जो है वह समाधि मंदिर में विश्राम कर रहा है, परंतु खुद मेरे साई सदैव द्वारका माई में रहे। आज भी बाबा की शक्तियाँ वहाँ पर विराजमान हैं, और जिस स्थान पर बाबा दर्शन दे रहे हैं वहाँ पर मेरे साई खड़े हुआ करते थे, दीपक जलाया करते थे। आज वहाँ पर भक्तों को दर्शन देकर अपने होने का एहसास करवा रहे हैं। वैसे तो देखा गया है कि द्वारका माई में बैठकर हम लोग जो पाठ करते हैं, जो जाप करते हैं, तो साईं तक पहुंचता है, और वहीं पर हमारे सवालों के जवाब, जो हमारे दिल में सवाल उठते हैं, उन सब के जवाब वहीं पर मिल जाते हैं। अनेक भक्त आकर आपके मन की बात जानने बिना आपसे बात करने लगते हैं, और वह बात उसी सवाल का जवाब होती है जो आपके दिल में होती है। यानी बाबा एहसास करवाते हैं कि वे आपके सवाल को सुन रहे हैं और सवाल का जवाब दे रहे हैं। साईं द्वारका माई में रहते थे, रहते हैं और रहते रहेंगे। बाबा की धुनी भी द्वारका माई में है, यानी जो बाबा ने अपने हाथों से प्रज्वलित की थी अग्नि, वह भी आज तक द्वारका माई में जल रही है, जिससे उदी यानी विभूति भक्तों को दी जाती है, जिससे समस्त रोग कट जाते हैं और भक्त बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। यदि शिरडी का मुख्य प्रसाद क्या है, ये सवाल उठे कि शिरडी का सबसे बड़ा प्रसाद क्या है, मुख्य प्रसाद क्या है, तो उसका जवाब यही है कि सबसे अहम प्रसाद, मुख्य प्रसाद, शक्तिशाली प्रसाद वो बाबा की विभूति है, उदी है, जो अपने जीवन काल में भी भक्तों को दिया करते थे और आज भी प्रसाद के रूप में भक्तों को उदी दी जाती है। और भक्त तरसा करते हैं वहाँ पर कि यदा मिल जाए, परंतु क्योंकि भक्तों का वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में आना होता है, तो एक एक पैकेट सभी को संस्थान की तरफ से दिया जाता है, लड्डू का प्रसाद भी दिया जाता है। तो अब वहाँ पर भक्त बहुत मात्रा में उमड़ पड़े हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं, और भजन संध्या चल रही हैं, लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, चारों तरफ साईं साईं हो रहा है। शिरडी में इस समय किसी उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है, दूर दूर से लोग आकर बाबा के श्री दर्शन कर रहे हैं, और मैं कहता हूं कि बाबा द्वारका माई में सदैव ही थे, ये तो एक उन्होंने अपना बताया है कि वो हैं, उन्होंने पूरा एहसास करवाया है भक्तों को कि वह इस स्थान पर हैं। तो जय साईं राम, ब्रिज मंसूरी आपका स्वागत करता है इस चैनल में।